Hi, Namaskar. Welcome to my channel, Stay Perfectly Imperfect. If you are seeing this face for the first time, I'm Anshika. और आपका मेरे चैनल में स्वागत है. अगर आप मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं हॉल वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. और ये एक छोटा सा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि ज़िवामे की सेल आई हुई है. आई नो आई एम लिटिल लेट फॉर दिस वीडियो, बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं यार, बना देना चाहिए क्योंकि अभी जो सेल आई है दैट इज़ ओके. ज़िवामे में आने वाले समय में सेल आती ही रहती है. और जो पेयर और जो मैं आपको नाइट सूट स्पेसिफिकली आज दिखाने वाली हूँ वो काफ़ी बार सेल में आए हुए हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया है. और काफ़ी अच्छे पीसेज हैं तो आप उनको डेफिनेटली अपने कार्ट में रख सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ ऑल्सो सेल इज गोइंग ऑन, तो आप चेक कर लेना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं फटाफट से बताती हूँ आज का वीडियो किस बारे में है. आज का वीडियो हम ज़िवामे की हॉल वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे नाइट वेयर्स एंड मिडीज नाइट मिडीज कवर करेंगे. मैंने एक दो ऑप्शंस वो भी डाले हैं बट ये स्पेसिफिकली नाइट वेयर्स के बारे में है, मतलब शॉर्ट्स एंड टी शर्ट एंड कैपरी एंड टी शर्ट, फुल लोअर एंड टी शर्ट, सारे टाइप के यू नो वैरायटी मैंने ऐड करने की कोशिश की है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मोर लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले शॉर्ट्स और टी शर्ट के कॉम्बो के साथ. वैसे तो ये एक पेयर का नहीं है बट मैंने इसको परचेज किया था क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग अवेलेबल थे एंड आई एम नॉट श्योर, मैंने ट्राई किया ढूंढने का कि ये साथ में एज अ पेयर अवेलेबल है कि नहीं, बट स्टिल मैंने इनको अलग से परचेज किया बिकॉज आई लव द प्रिंट और कलर बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने उनको परचेज किया. तो दिखा देते हैं सबसे पहले. तो मैं बात कर रही हूँ कुछ ये वाले प्रिंट के बारे में. देखो ये कपड़ा अगर आप देख पा रहे होगे, इट्स नॉट प्योर कॉटन बट ये वो गर्मी करने वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं है, मतलब सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है स्किन पे. और इसका प्रिंट इज सो ब्यूटीफुल, इसमें ना बहुत सारे BFF IOMG लाइक लिपस्टिक एंड ऑल बने हैं. मतलब अगर आपको ऐसा कुछ फंकी सा पसंद है ना तो आप डेफिनेटली इस पे जा सकते हो. मैं कहीं पर भी ये पूरे पहन के भी प्रॉपर मेरे बॉडी पे कैसे दिख रहे हैं, क्या साइज़ मैंने लिया है, वो सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे पे कैसे दिख रहे हैं तो आप पे कैसे आएगा. मैं अपने बॉडी मेजरमेंट स्पेसिफिकली जो इसको खरीदते टाइम आप इनकी साइट पे भी जो मेजरमेंट्स चेक करते हो ना वो मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे भी चेक कर लेना, तो आपको थोड़ा अंदाज हो जाएगा कि आपको कौन सा साइज आएगा. बट मैं ना हमेशा ट्राई करती हूँ कि थोड़े लूज ही नाइटवेयर मेरे रहे, तो मैं एक साइज अप करके उनको मंगाती हूँ. अगर आपको वैसा नहीं लगता है तो आप एक साइज डाउन भी मंगा सकते हैं. और अगर मैं इसकी टी शर्ट की बात करूँ तो इसकी टी शर्ट इज ऑल्सो वेरी क्यूट. ये ना हाई लो है, मतलब आगे से ये हाई है और पीछे से ये लो है, बहुत प्यारी है. इसमें लिखा है फोमो, देखो आप देख पा रहे हो, मैंने थोड़ा बड़ा साइज ऑर्डर किया है बट इट वॉज कूल फंकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई लव द मटेरियल इन जनरल. चलो तो मूव करते हैं सेकेंड नाइट सूट के पेयर के साथ. ये भी मेरे को कुछ ऑलमोस्ट, और मैं जो आपको प्राइजेस है ना सबके मैंशन करूँगी बट स्टिल पता मैंने कोई बहुत हाई एंड प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, 500-600 की रेंज से ज़्यादा तो मैं गई ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझको चाहिए यार कि मैं वैरायटी ज़्यादा ले पाऊँ. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा वैसे इन्वेस्ट किया हुआ है और थोड़ा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की इस हॉल को. दैट इज़ वाई ऑल प्रोडक्ट्स विल बी इन द रेंज ऑफ फ्रॉम 400 to 600, इतना ही होगा ऑलमोस्ट. ओके, तो ये दूसरा पेयर है, ऑल्सो वेरी क्यूट पेयर, छोटा सा, मतलब इसका टॉप का कोई लेंथ बहुत लंबा नहीं है, नेक इज़ ऑल्सो मतलब ऐसा बहुत डीप नहीं है, बहुत छोटा भी है. फिटिंग वॉज ऑल्सो गुड. देखो ये भी बहुत ज़्यादा प्योर कॉटन नहीं है, ये थोड़ा सा कुछ मिक्स मटेरियल है, बट मिक्स मटेरियल का नुकसान तब ज़्यादा होता है जब वो आपको बहुत गर्मी करे, इचिंग करे, वैसा कुछ भी इसमें नहीं है तो वो एक अच्छी बात है. ठीक है, इसका शॉर्ट्स भी इज ऑल्सो वेरी क्यूट, बहुत ज़्यादा हाई मतलब लंबा नहीं है, शॉर्ट ही है और इसमें भी छोटा सा एक प्रिंट है. मतलब कई बार यार ऐसा लगता है ना आपको सिंपल येट सोबर ऐसा कुछ पहनना है, तो मैंने इसलिए ना ये सॉलिड कलर के लिए, एंड कलर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल है ना, पर्पल लाइलैक इस समय काफ़ी ट्रेंड में कलर्स हैं, दैट्स व्हाई आई हैव परचेज दिस एंड इट्स अ वेरी नाइस पीस. तीसरा वाला जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन, और ये वो पैटर्न, देखा आप नोटिस करना मैंने पहला जो पैटर्न आपको दिखाया दैट इज कम्प्लीट प्रिंटेड, सेकेंड नंबर का पैटर्न दैट इज कम्प्लीट सॉलिड और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था. ये जो है दिस इज प्योर कॉटन एंड इसका जो शॉर्ट्स है वो प्रिंटेड है,
छोटा सा ही है, इसमें जेब नहीं है, तो ठीक है, इट्स फाइन। नाइट सूट में वैसे तो जेब हो तो अच्छा रहता है, मेरे को तो जेब वाले कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट स्टिल आई एम ओके। और ये इसका टी शर्ट है, लाइक प्रिटी बेसिक, ये मुझे 390 रुपीज में मिला, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू मेंशन द प्राइस। प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है। और धुलने के बाद ना इसके कपड़े ऐसे होते हैं ना, कुछ कपड़े खराब हो जाते हैं, इसके कपड़े थोड़े सॉफ्ट होने लग जाते हैं धुलने के बाद, तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है। एंड काफी मतलब ग्रे टी शर्ट है, प्लेन सी है, तो मतलब कभी आपको इसे नीचे तक भी जाना है, जस्ट चेंज द शॉर्ट्स अगर वो, और आप वो उसको ऐसे भी पहन सकते हो, तो दैट्स रियली नाइस, इट्स रिटन गुड मूड। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा पीस। चलो अब अगले वाले पीस की बात कर लेते हैं। तो जो मैं लास्ट पीस शॉर्ट्स में बता रही हूँ वो ये है, ठीक है, देख सकते होगे आप ये, इसमें जो प्रिंट है वो ट्वीटी का है, एंड लाइक इसका जो मटेरियल है इट्स मोर ऑफ कॉटन, जो पहला वाला मैंने पर्पल कलर का दिखाया था उससे भी ज़्यादा कॉटन इसमें मिक्स्ड है, तो इस हिसाब से मैंने ये लिया। और इसका शॉर्ट्स का भी लेंथ ना मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, ओके। एंड इसमें सबसे मज़े की बात जो थी वो, क्योंकि पॉकेट थे तो मैंने इसको देखते ही परचेज कर लिया, भले वो प्लेन पैटर्न है, दोनों का पैटर्न लाइक लाइलक वन का और इसका सेम है, बट क्योंकि सेम होने के बाद भी ये काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसका कपड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, इसमें हमारे पॉकेट्स हैं और इसका टी शर्ट का लेंथ भी थोड़ा सा लंबा है, सो आई लाइक इट वेरी मच। और ब्लू कलर है, काफ़ी अच्छा कलर है, तो मुझे बहुत पसंद आया, आई लव इट। सो जो नेक्स्ट पीस मैंने मंगाया है वो है कैप्री सेट। देखो इसका लेंथ इज के थोड़ा सा घुटने के नीचे आता है, अब आप फोटोज में देख लेना कहीं भी, आई एम जस्ट टेलिंग, प्योर कॉटन, वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक, प्लस इट हैज पॉकेट्स, तो इसमें दोनों साइड पॉकेट है, उसमें भी दोनों साइड पॉकेट है, बट इट हैज पॉकेट, आई लाइक इट। हमेशा मैं लाइट कलर के जो कपड़े लेती हूँ वो प्रिंटेड डिज़ाइन लेती हूँ नीचे, कभी भी प्लेन नहीं लेती, क्योंकि प्लेन में यार थोड़ा सा दिखने के चांसेस रहते हैं, दैट्स व्हाई। और ये रहा इसका टॉप, ये देखिए बढ़िया सी प्रिंट है, और वो आप समझते हो ना, वो जो लूज लूज वाला फिट होता है ना, जो ऐसे शोल्डर जिसके गिरते हैं नीचे की तरफ, वो थोड़ा लूज फिट वो वाला फिट है इसका, बहुत कंफर्टेबल, प्योर कॉटन, तो मतलब अगर आपको जैसे कॉटन के अलावा थोड़े मिक्स कपड़े को नहीं पसंद है तो आप यू जस्ट गो फॉर इट। जो आप पहला और दूसरा वाला मैंने दिखाया था वो आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़े से मिक्स है, बट दे आर कंफर्टेबल, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर वेरी कंफर्टेबल, बट हल्के से मिक्स है, ओके, तो आप वो कर सकते हो, इट्स रियली वेरी नाइस। चलो मूव करते हैं अगले पीस की तरफ। तो मैंने अब जो नेक्स्ट चीज दिखाने वाली हूँ वो है एक मिडी, ठीक है, बिकॉज मेरे को ऐसे घुटने की लेंथ तक ही मिडीज अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसको ट्राई किया, क्योंकि ना मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, एंड आई नोटिस कि ये जो प्रिंट है ना, इसमें शॉर्ट्स भी हैं, फुल लोअर भी हैं, ऐसे मिडीज भी हैं, एंड मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा कॉलर वाली मिडी लेने का मन कर रहा था, ओके, तो मैंने इसको भी परचेज किया। ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है, ऑनलाइन स्टोर से नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि मैं शायद अगर ऑनलाइन स्टोर से लेती तो मैं इसको नहीं खरीदती, क्योंकि यार मैं थोड़ा कॉलर वाली चीज़ें अवॉइड करती हूँ घर में, क्योंकि थोड़ा गर्मी हो जाता है यहाँ पर, बट स्टिल इट वॉज रियली वेरी कंफर्टेबल। ये फैब्रिक मैंने ना फर्स्ट टाइम पहना था, जो फोमो वाला है वो सेम फैब्रिक है ये, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये फैब्रिक पहना इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल, कोजी कोजी सा लगा, तो मैंने कहा चलो यार ये फैब्रिक ट्राई करके देखते हैं, तो फिर दैट्स व्हाई आई हैव परचेज्ड इट फ्रॉम देयर ऑफलाइन स्टोर, एंड इट्स रियली वेरी नाइस। मैंने थोड़ा सा लूज लिया हुआ है इसको, थोड़ा नहीं थोड़ा काफ़ी लूज हो गया है, ये लेने के बाद मुझे समझ में आया कि थोड़ा लूज हो गया। ये ना नीचे से एप्पल कट है और ये साइड में आपके यहाँ तक कट दिया हुआ है, सामने बटन है, मैंने इसलिए भी थोड़ा सा लूज लिया ना, क्योंकि ये जो अगर सामने बटन वाले आप फिटिंग ले लो तो फिर ये खुलने लगते हैं, है ना, सामने से ऐसे झांकने लगता है अभी, तो वो मुझे पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया। और दीज आर द पर्क्स ऑफ बीइंग कर्वी, तो दैट्स वाई थोड़ा सा ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सो इट्स लवली, बट सीरियसली इट्स अ वेरी नाइस पीस, यू कैन ट्राई इट। तो ये मेरा लास्ट पीस है इन नाइट वेयर सेट जो मैंने परचेज किया, एंड आई रियली रियली लव इट। बात कर रही हूँ ये कूल से टॉम एंड जेरी प्रिंट के लोअर के बारे में, फुल प्योर कॉटन, लेंथ इज वेरी नाइस, मतलब अगर आपकी हाइट इज लाइक ऑलमोस्ट माइन 5'6" तो आपको बहुत परफेक्ट आएगा लेंथ, थोड़ा सा अगर आपका साइज़ ज़्यादा है, थोड़ा सा हाइट कम है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि लेंथ ज़्यादा है, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। दूसरी सबसे बढ़िया बात, इसमें पॉकेट्स हैं दोनों साइड, तो वो एक अच्छी बात है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, चाहो तो आराम से टाइट कर सकते हो,
एंड द प्रिंट इज सुपर डुपर कूल. ये देखो, इट हैज टॉम एंड जेरी फेसेस और इट्स वेरी नाइस. मतलब बहुत अच्छा प्रिंट है. इसका जो टी शर्ट है ना, इट्स लाइक वेरी गुड. सी, इट्स प्लेन फुल स्लीव टी शर्ट. प्लेन, और देखो अपना इसका कॉम्बो कितना सही है साथ में. सी, दिस इज अ प्लेन टॉप एंड प्रिंटेड पैंट, सो इट्स वेरी कूल. ओके, अब मैं बताती हूँ मैंने इसमें दिमाग क्या लगाया है. क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले ना मैंने मुझे जब ये प्रिंट दिखा टॉम एंड जेरी वाला, आई एम ए फैन ऑफ टॉम एंड जेरी, तो मुझे बहुत पसंद आया था. तो मैंने क्या किया था ना, इनकी ये टी शर्ट परचेज कर ली थी टॉम एंड जेरी वाली. ओके, मुझे बड़ा कूल प्रिंट लगा था एंड जब मैंने इसको पहना, इसका कपड़ा इज वेरी कंफर्टेबल. धुलने के बाद, मैं बोली ना आपको बार बार बोल रही हूँ, धुलने के बाद इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना इनके कॉटन के कपड़े, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और ऐसा भी नहीं होता कि रुए निकलते हैं, कलर आता है, दैट इज़ नॉट द केस. सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग. तो मैंने ये परचेज किया था. फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, मेरे पास ये तो आ गया है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसका लोअर भी परचेज कर लेती हूँ. तो एक ना ये क्यूट सा सेट बन जाएगा मेरे पास. देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं प्लेन पहन सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको पेयर अप कर सकती हूँ. तो मतलब मेरे लिए तो यार इट्स अ टू इन वन हो गया था. ऐसे सिर्फ जस्ट टी शर्ट बदली और आपका एक एक्स्ट्रा पेयर तैयार. तो मैंने बस एक दो टी शर्ट्स और परचेज कर ली हैं इससे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. तो मैं जो पहली टी शर्ट की बात कर रही हूँ, इट्स दिस लेमन येलो कलर की बहुत प्यारी प्योर कॉटन की टी शर्ट है ये. मैं सच बताऊँ तो मैं इसको अभी बाहर भी पहन लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल घर पर नहीं निकाला है, बिकॉज कपड़ा इज गुड और ये घर की बिल्कुल लगती भी नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस. इसमें काफ़ी अच्छे ऐसे प्रिंट्स हैं और बहुत अच्छी कंफर्टेबल ब्रीदेबल बहुत अच्छी टी शर्ट है. और मुझे नहीं आज शायद 200-250 रुपए में मुझे मिली थी ये टी शर्ट. सो इट्स वर्थ द मनी. मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको बता दूंगी डेफिनेटली. जो सेकेंड टी शर्ट आई हैव परचेज्ड इज, ओ माई गॉड, दिस वन इज माई फेवरेट टी शर्ट. होता है ना, कुछ टी शर्ट्स आपको इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, पता नहीं क्यों, बट आ जाती हैं. ये सेम, दिस इज ग्रिफिंडोर. मतलब आई एम हैरी पॉटर फैन ऑल्सो, तो मेरे को तो बहुत पसंद आई थी. एंड इट्स जस्ट प्लेन बेसिक बट वी नेक टी शर्ट्स ना लड़कियों के लिए मिलती है, बट मुझे कई बार बहुत कम पसंद आती हैं. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी. इसका फिट इज रियली वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स ऑल्सो प्योर कॉटन, सो इट्स रियली नाइस. ठीक है, तो ये सारे क्लोथिंग्स मैंने परचेज किए थे. मैं आपको अच्छे से सबका प्राइस, एवरीथिंग, लिंक एंड ऑल सब आपको मेंशन कर दूंगी. आप इसको देख सकते हो और परचेज कर सकते हो. और अगर आपको लगता है ऐसे हॉल वीडियोस मुझे बनाने चाहिए और, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल लव टू डू मोर एंड मोर हॉल वीडियोस. एंड अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, एंड ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, जिससे भी आपको लगता है कि ये क्यूट पीसेस परचेज करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करो. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.